मुंडा पांडे में जिला पंचायत की जमीन कराई कब्जा मुक्त। मुरादाबाद मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में जिला पंचायत की एक कीमती जमीन है, जो कि जिला पंचायत हर तीसरे साल टेंडर बोली की प्रक्रिया पूरी करके जमीन को लीज कर देती है, जिसको 3 वर्षों के लिए चंद्रविजय सिंह को दी थी। अब दोबारा जिला पंचायत ने इस जमीन की टेंडर बोली प्रक्रिया पूरी करते हुए इस जमीन की बोली राजीव कुमार के नाम हुई थी, लेकिन चंद्रविजय सिंह इस जिला पंचायत की जमीन को छोड़ नहीं रहे हैं, जिसके बाद जिला पंचायत ने वैधानिक कार्यवाही पूरी करते हुए आज जिला पंचायत अपर मुख्य अभियंता शिशुपाल शर्मा और तहसीलदार सदर अपनी एक टीम और पुलिस फोर्स के साथ लेकर मुंडा पांडे जिला पंचायत की जमीन पर पहुंचे, और उसके बाद जिला पंचायत और पुलिस टीम ने जिला पंचायत की जमीन पर रखे पूर्व कब्जा धारक के सामान को हटाकर जिला पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त करते हुए वर्तमान में जिसके नाम जिला पंचायत ने टेंडर बोली छुट्टी है, उसको जमीन का कब्जा दे दिया है। जो आज जमीन जिला पंचायत की कब्जा मुक्त कराई जा रही है, क्या मामला है? जिला पंचायत के द्वारा नीलामी में जिस व्यक्ति को ये जमीन दी गई थी उसके फेवर में हम ये खाली करा रहे हैं, जबकि जिस पर पहले से चली आ रही थी उसके नाम में नीलामी नहीं हुई थी, वो इसको खाली नहीं कर रहे थे, इसीलिए आज कोर्ट का आदेश देके एस एस पी महोदय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के बाद हमने जो है ये खाली कराई। सर, जो विपक्षी पार्टी जिनके पास जमीन थी उनका कहना है कि उनके पास कोर्ट से किसी तरह का कोई कागज है जिसको आप नहीं मान रहे, ये क्या मामला है? यदि कोई कोर्ट से कागज होता तो हमें इंफॉर्मेशन होती प्रॉपर, तो हम इस तरह का कोई कृत्य नहीं करते। पहली चीज तो उन पर कोई ऐसा अधिकार नहीं है कोर्ट का, और दूसरी चीज वो कोई वैधानिक उनके पास कोई कागज कोई प्रपत्र है ही नहीं, जब जिसको हमने नीलामी दी है तो उसके फेवर में खाली होनी चाहिए। इस तरह तो हमारी जिला पंचायत की जिले में तमाम भूमियाँ तमाम संपत्ति है, कोई जो चाहेगा एक कागज कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के कब्जा कर लेगा, ऐसे नहीं होता है। सर, आप जिला पंचायत में कौन से कार्य कार्यरत हैं? कौन से कार्य पद पर कार्यरत हैं? मैं अपर मुख्य अधिकारी जिले की सबसे बड़ा अफसर हूँ, अपर मुख्य अधिकारी हूँ जिला पंचायत का।